दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैंटास्टिक्स पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के बीच में जो मैच खेला जाएगा PSL का सातवां मैच है ये, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। देखिए पिछले दो मैचेस हमारे इतने अच्छे नहीं गए दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड और जो कराची किंग्स का जो मैच था उसका, तो हमारे दो मैचेस में लगभग बोल सकते हैं आप पूरा का पूरा लॉस हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर आज के मैचेस बहुत ही अच्छी तरीके से खेलेंगे और यहाँ पर क्लीन स्वीप करेंगे और अच्छा सा कमबैक करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, जो पिछले दो मैचेस में गए ना हमने, तो सिर्फ एक ही प्लेयर है ऐसा जो हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में गया है, वो है यहाँ पर कराची किंग्स का यहाँ पर जो भी शार्जिल खान था वो, और दूसरा जो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के मैच में जो, तो वो तो भाई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था भाई, क्योंकि देखिए चार बॉल पर चार विकेट्स लेके गया जेसन हंडर। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, देखिए जहाँ जीत है वहाँ हार है, जहाँ हार है वहाँ जीत है, तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर सिर्फ जीत ही है। कोई बात नहीं, ये मैच हम हार गए हैं, जो लगातार यहाँ पर हमने विनिंग किया था दो मैचेस में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आज के मैचेस में हम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन स्वीप करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपके लिए मैं ग्रैंड लीग की टीमें और स्मॉल लीग की टीमें कैसे बनानी है इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज के मैचेस की, ठीक है। अब पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करेंगे, तो दो मैचेस में एक जीत गए हैं ये लोग। सरफराज अहमद इस टीम के कैप्टन है। इस टीम के टॉप थ्री रन स्कोरर कौन है, यहाँ पर एहसान अली 130 रन, स्मिथ है 127 रन, सरफराज अहमद 16 रन और इफ्तिकार अहमद है 8 रन। टॉप थ्री विकेट टेकर्स की बात करूंगा, तो यहाँ पर नईम शाह ने देख सकते हैं आप 6 विकेट ले चुके, एक ही मैच में इन्होंने 5 विकेट ले लिए थे। नवाज ने 4, तनवीर 2 और यहाँ पर फॉकनर ने 2 विकेट ले चुके। अब लेटेस्ट न्यूज़ मुल्तान सुल्तान की बात करेंगे, तो दो मैचेस में दोनों विकेट यहाँ पर जीते हैं ये मैचेस। मोहम्मद रिजवान जो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर इस टीम के कप्तान है, प्लेयर है। टॉप फोर रन स्कोरर्स की बात करेंगे तो मोहम्मद रिजवान नो डाउट पहले नंबर पे आएंगे, शान मसूद मकसूद और यहाँ पर के शाह, ये रहे 4। और विकेट टेकर्स की बात करेंगे तो ताहिर, के शाह, डहानी और यहाँ पर ईसानुल्ला, ये 4 प्लेयर्स हैं जो आपके लिए बेहतरीन आज के यहाँ पर अच्छे पिक भी रहेंगे मैच के। और मैं आपको बता दूँ इनमें से किसको ड्रॉप करना है और स्मॉल लीग में किसको ड्रॉप करना है और ग्रैंड लीग में किसको लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा, पहले देख सकते हैं आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अब देखेंगे आपको मैं यहाँ से बताऊँगा प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स भी और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कौन से प्लेयर्स लेने हैं और ड्रॉप करने, ठीक है। अब देखिए विकेट कीपर के सेक्शन में कौन आते हैं, रिजवान और डकेट और अहमद, ठीक है। अब रिजवान हर टीम में, पहले मैं स्मॉल लीग के बात करूँगा, स्मॉल लीग में तो ये प्लेयर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर होगा 101%। सारे के सारे यहाँ पर आप जितने भी स्मॉल लीग लगाते हो ना, अगर कोई दो तीन टीम से स्मॉल लीग खेलता है तो, या फिर एक ही टीम से खेलता है, तो देखिए मैं तो हमेशा एक ही टीम से खेलता हूँ, कैप्टन इनको ही बनाई है मोहम्मद रिजवान को, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपके लिए स्मॉल लीग के सबसे बेस्ट पिक रहेंगे, ठीक है। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो दोस्तों, तो विकेट कीपर के सेक्शन में सिर्फ रिजवान और डकेट के साथ जाना है, ना कि सरफराज अहमद के साथ बिल्कुल भी मत जाना। सिर्फ रिजवान और डकेट ये दोनों ही प्लेयर्स है आज की ग्रैंड लीग में सबसे बेस्ट पिक रहेंगे, और दोनों में से कैप्टन ज़्यादा से ज़्यादा ये 70% यहाँ पर कैप्टन ये रखिए विकेट कीपर के सेक्शन में, और 30% में ही सिर्फ डकेट को रखिए। डकेट दोनों मैचेस यहाँ पर फेल जा चुका है बंदा, लेकिन ये प्लेयर बहुत बेहतरीन है, इनको पाकिस्तान के जो पिचेस हैं वो सूट करते हैं दोस्तों, तो मुझे लग रहा है ये अच्छी पारी खेल सकता है इस मैच में। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई ग्रैंड लीग में किसको लेना है। देखिए ग्रैंड लीग में आज के ना ज़्यादा से ज़्यादा देखिए रिजवान, अगर दोनों को में से देखिए रिजवान और डके दोनों में लिया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों टीम्स में ये सॉरी सारे ग्रैंड लीग के टीम में लेना है, लेकिन कुछ टीमें में डकेट को ड्रॉप करके रिजवान को लेना ही लेना है हर टीम में, ग्रैंड लीग की हर टीम में रिजवान को लेना है प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाना है। लेकिन अगर कुछ ग्रैंड लीग टीम में यहाँ पर डकेट को भी कैप्टन बनाना है, मतलब 70% यहाँ पर रिजवान को करना है, 30% यहाँ पर डकेट को करना है, ये ध्यान में रखिए। विकेट सेक्शन का हो गया। अब बैटिंग की बात करेंगे, बैटिंग की बात करेंगे तो देखिए अब बैटिंग के सेक्शन में मसूद, पहले हम देखेंगे किस यहाँ पर बैटिंग के सेक्शन में यहाँ पर कौन कौन प्लेयर्स आते हैं ड्रीम इलेवन पे। मसूद, स्मिथ, एहसान अली, कुशदील शाह, शान मकसूद, रूसो, यहाँ पर ये जो 6 प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आ जाते, तो उनके रिकॉर्ड्स पहले हम देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे डब्ल्यू स्मिथ,
जो यहाँ पर क्वेटा ग्लेटर्स के आज के मैचेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को इसको लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसमें क्या है, दो मैचेस में 127 रन बना चुके हैं 63 के एवरेज के साथ, ठीक है। वेन्यू बैट की बात करेंगे तो एक मैचेस में 97 रन और एक मैच में ही 57 रन बना है इस ग्राउंड पर इन्होंने, और बहुत ही बेहतरीन इनका रिकॉर्ड है। लेकिन डब्ल्यू स्मिथ को आप ना ग्राइंडिंग में ज़रूर ट्राई लेना, स्मॉल लीग में मुझे लग रहा है मत ट्राई करना। आज दोनों भी ये प्लेयर्स रहेंगे ना, एहसान अली और डब्ल्यू स्मिथ, आपके लिए रिस्की हो सकता है। देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन तो इनको बिल्कुल भी मत बनाना, स्मॉल लीग की बात कर रहा हूं। ग्रैंड लीग में आप इन दोनों में से ज्यादा यहां पर एहसान अली को ही कैप्टनशिप बनाना, क्योंकि एहसान अली का बहुत अच्छा यहां पर टेक्निक है, बैटिंग जो टेक्निक है वो एहसान अली की बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगता है कि ये दोनों भी आज के मैचेस में फ्लॉप होंगे, ठीक है। स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो एक प्लेयर्स को लेना, उसमें से है एहसान अली को सब लेंगे ऐसा मुझे लग रहा है आज के मैच में। सब मतलब सब लगभग अपोनेंट की टीम में एहसान अली होगा ही होगा, लेकिन डब्ल्यू स्मिथ को ड्रॉप भी कर सकते हैं आज के प्लेयर्स, ठीक है, आज के अपोनेंट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एहसान अली को तो लेना ही लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिस्की जाना चाहते हो तो डब्ल्यू स्मिथ को भी लीजिए। लेकिन मुझे जो लग रहा है दोस्तों, अगर आपको अच्छी टीम बनानी है दोस्तों, तो इन दोनों को भी यहां पर ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब तीसरा जो बैटिंग सेक्शन में आता है मुल्तान सुल्तान का, जो है शान मसूद, मकसूद और रूसो, ये तीन प्लेयर्स आते हैं। इनके रिकॉर्ड देखेंगे, शान मसूद देख सकते हैं दो मैच में 109 रन, 54 का एवरेज है 20 यहाँ पर PSL में, ठीक है। टीम के खिलाफ 4 मैचेस खेले गए और 34 का एवरेज है शान मसूद का, और 20 वेन्यू पे 22 का एवरेज है, ठीक है, लगभग अच्छा है। लेकिन अब शोएब मकसूद की बात करेंगे, 25 का एवरेज है इस यहाँ पर PSL में, इस टीम के खिलाफ 8 मैचेस खेले सिर्फ 16 का एवरेज है, और वेन्यू की बात करूँगा तो 11 मैचेस में 224 रन 32 का एवरेज, मतलब वेन्यू पे बहुत ही बेहतरीन इस प्लेयर का रिकॉर्ड है देखा जाए तो आपके लिए आज के कौन से प्लेयर्स अच्छे रहेंगे मैं बताता हूँ। हमारा एक प्लेयर रह गया खुशदिल शाह, उसके रिकॉर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। खुशदिल शाह के रिकॉर्ड देखेंगे तो दो मैचेस में 18 रन बना चुके हैं, 5 मैचेस में इस टीम के खिलाफ 11 का एवरेज है, और वेन्यू पे 23 का एवरेज है, ठीक है। लेकिन बैटिंग जो है इनका बहुत नीचे आएगा, उससे ऊपर यहाँ पर कौन आएगा, रूसो। तो रूसो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर पिक है, इस टीम के खिलाफ 52 का एवरेज है और इस वेन्यू पे 17, तो ये प्लेयर आपके लिए बेहतरीन पिक रहेगा। तो आज के मैचेस में स्मॉल लीग में मैं कौन से बताता हूँ कि कौन से लेने हैं प्लेयर्स आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर रिकमेंडेड करूँगा कि शान मसूद के साथ आपको ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा रहेगा शोएब मकसूद को, ठीक है, ये दो प्लेस आपके फिक्स होने चाहिए स्मॉल लीग्स में। और जो तीसरा बैटिंग के सेक्शन में है वो है आपका डब्ल्यू स्मिथ और एहसान अली में से एक होगा, एक तो ये स्मिथ होगा या फिर एहसान अली। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगता है कि मैं यहाँ पर एहसान अली के साथ जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी बैटिंग टेक्निक अच्छी है उसके यहाँ पर साथ जाता हूँ, क्योंकि पावर प्ले में ये बंदा ना कभी भी ऐसा आड़ा शॉट नहीं मारता है, एकदम स्ट्रेट बैट के साथ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेलने को देखता है, और पावर प्ले में जो भी स्ट्रेट बैट से खेलना तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बन सके, ठीक है। डब्ल्यू स्मिथ ऐसा नहीं है, आड़ा शॉट कैसे भी मारते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आउट होने के चांसेस है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा तीन प्लेयर्स स्मॉल लीग में कौन जाऊंगा, मसूद, मकसूद और यहां पर एहसान अली, ये तीन प्लेयर्स रहेंगे, ठीक है। अब ग्रैंड लीग में आपको क्या करना है मैं बताता हूं। अगर टीम सेकंड बैटिंग करती है मोहम्मद रिजवान की, टीम अगर सेकंड बैटिंग करेगी यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की, तो आपको क्या करना है कि ग्राइंडिंग में इनको तो कैप्टन करना ही करना है, लेकिन वॉइस कैप्टन इस प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा करिए। ये दो प्लेयर्स मसूद और मकसूद, ये दो प्लेयर्स को ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जब सेकंड बैटिंग आएगी मुल्तान सुल्तान की, तो आपके ऐसी दो टीमें होगी, उसमें एक एक टीम में कैप्टन कौन होगा, रिजवान, और दूसरे एक टीम में कैप्टन ये होगा और वाइस कैप्टन शोएब मकसूद। अब दूसरे टीम में क्या करना है, ये प्लेयर रखना है, ये भी प्लेयर रखना है, वाइस कैप्टन यहाँ पर इस बार ये होगा और कैप्टन कौन होगा, मोहम्मद रिजवान। ऐसी आपको एक टीम, दो टीम्स बनानी है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे के ऑलराउंडर सेक्शन में वो बताऊँगा, ठीक है, वो उसमें कौन से लेने हैं क्या करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ग्रैंड लीग में ये ज़रूर कर लेना है, मतलब मसूद और मकसूद ग्रैंड लीग में दो टीमें बताई। अब दूसरे प्लेयर्स बैटिंग के सेक्शन बैटिंग में कौन सा लेना है, वो है एक अनएक्सपेक्टेड, जो कि आपको दूसरे टीम का लेना है, वो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा, अभी ये
अच्छा ठीक है, स्मिथ या फिर एहसान अली, इसमें से एक लेना है आपको, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मतलब कि क्या, आपको स्मिथ आपके टीम में रहना चाहिए ग्राइंडिंग में। स्मॉल लीग में मैंने कहा कि एहसान अली रख लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, स्मिथ को रखना है ग्राइंडिंग में। अगर आप जो मैंने टीमें बताई थी ना, कैप्टन इनको मसूद और मकसूद को वाइस कैप्टन बनाना है, उस टीम में स्मिथ को लेना ही लेना है, ठीक है। और एक टीम में स्मिथ को लीजिए, और दूसरे टीम में आप एक भी कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर मसूद पे ऊपर यहाँ पर भरोसा नहीं है, तो आप इनका एक बैट्समैन भी ले सकते हैं, तो कुशदिल शाह या फिर यहाँ पर रूसो, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैप्टन इस टीम, एक टीम में ये कैप्टन है, ठीक है, दूसरे टीम में इसको आप वाइस कैप्टन बनाने के लिए मैंने बोला था आपको, तो उस टीम में इसको ड्रॉप करके आप इन दो प्लेयर्स के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। अब ऑलराउंडर के सेक्शन में कौन आते हैं, मोहम्मद नवाज, फॉकनर, डेविड विले, इफ्तिकार अहमद और टिम डेविड, ये यहाँ पर पांच प्लेयर्स आते हैं। इनके रिकॉर्ड्स हम पहले देखेंगे, तो पहले आते हैं यहाँ पर टिम डेविड के ऊपर, देख सकते हैं 2 मैचेस में 12 ही रन चुके। टिम डेविड का यहाँ पर PSL में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, और इनकी बॉलिंग पर तो बहुत ज़्यादा मार पड़ती है, इनको सूट नहीं करते ये ग्राउंड PSL पाकिस्तान के। तो ये प्लेयर ना आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन तो सबसे फर्स्ट पिक तो नहीं रहेगा, ठीक है, ग्राइंडिंग में। स्मॉल लीग में आपके टीम यहाँ पर रिस्की टीम, मतलब 4 मेंबर की टीम्स में ये प्लेयर्स आपके रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप भरोसा रखोगे कि ये प्लेयर्स आज बहुत मारेगा, तो आप देखिए 50% चांसेस है आपके कि यहाँ पर ये जीतेगी आप, ठीक है। तो इनको ना स्मॉल लीग में ड्रॉप ही कर लीजिए, ग्राइंडिंग में इनको ट्राई कर लेना। लेकिन ग्राइंडिंग में बहुत 4-5 टीम में भी कैप्टन नहीं, सिर्फ एक ही टीम में कैप्टन करना है इस प्लेयर को, क्योंकि अगर चल गया तो वन साइडेड हमारी रैंक आ जाएगी ऊपर, और नहीं चल गया तो भाई हम बहुत ही नीचे विनिंग जोन में भी नहीं आएगा हमारा टीम, ठीक है, ये ध्यान में रखना है टीम डेविड के बारे में। अब दूसरा ऑलराउंडर के सेक्शन में आता है, वो है विले। अब देखिए विले आपको ना ग्राइंडिंग में अगर इस प्लेयर को ले रहे हैं या फिर वॉइस कैप्टन कर रहे हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन, स्वाली के ये प्लेयर रख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन ग्राइंडिंग में अगर आप इसको वॉइस कैप्टन या फिर कैप्टन कर रहे हैं, तो ये आपको लिए ध्यान रखना है कि देखिए विली को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो क्वेटा ग्लेडिएटर के जो ओपनर्स है, उन दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि विली फर्स्ट पेल डालते हैं, विली हमेशा फर्स्ट पेल डालते हैं। और दोनों भी आपको बता दूं कि जो स्मिथ और एहसान अली है, वो राइट हैंडर्स है, तो इनका ना ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स लेने के ज़्यादा चांसेस है विली के। तो ग्राइंडिंग में अगर इसको वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन किया है, तो दोनों भी यहाँ पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, उनको ड्रॉप करना है, और उन्हीं से में से आपको क्या करना है, फिर इसका ही प्लेयर्स लेना पड़ेगा जो कि मुल्तान सुल्तान का जो भी होगा प्लेयर्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। फॉकनर का यहाँ पर देखेंगे तो डेविड विली और टीम डेविड का मैंने बताया अभी तक आपको। इफ्तिकार अहमद का मैं यहाँ पर ही बता दूँ कि इनको आप ना ग्रैंड लीग में ही ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग के ना यहाँ पर मत जाइए इसके पास, क्योंकि देखिए बहुत नीचे बैटिंग करते हैं और बॉलिंग इनको नहीं दे रहे हैं सरफराज अहमद। अब सरफराज अहमद क्यों नहीं दे रहे, उनको ही पता है दोस्तों कि भी ये अच्छे ऑलराउंडर है और बिग हिटर है, तो कैप्टन सिर्फ ग्रैंड लीग में करना, स्मॉल लीग में नहीं। अब जेम्स फॉकनर और नवाज के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, तो नवाज एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, देख सकते हैं 2 मैचेस में 4 विकेट ले चुका है ये बंदा। और बैटिंग की बात करूँगा इस टीम के खिलाफ, तो 12 का एवरेज है, टीम के खिलाफ 7 विकेट है 7 मैचेस में, इस वेन्यू पे 13 मैचेस में 131 रन, 21 का एवरेज है, और इस वेन्यू पे बॉलिंग की करें बात तो 9 विकेट ले चुका है बंदा, तो आपके लिए बेहतरीन पिक है आपके लिए, ठीक है, हर टीम में रखना चाहिए। स्मॉल लीग में तो नो डाउट ये प्लेयर रहेगा ही रहेगा, और बहुत लोगों का ये वाइस कैप्टन भी रह सकता है, ठीक है, तो आपके लिए ये अच्छा पीक है ग्रैंड लीग में भी और स्मॉल लीग में भी, तो इनको ज़रूर ट्राई कर लेना। और जेम्स फॉकनर की बात करेंगे, तो जेम्स फॉकनर के रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, देखिए डेथ बॉलर जेम्स फॉकनर है, लेकिन इनको मार भी बहुत ज़्यादा पड़ती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, कभी कभी ना ये बंदा 3 विकेट लेके जाता है, कभी कभी 0 विकेट्स होता है, ऐसा रिकॉर्ड है, इसलिए मैंने पिछले मैच में भी इनको नहीं लिया था, इन्होंने 1 विकेट लिया था आई थिंक, देख सकते हैं आप 2 मैचेस में 2 विकेट है, इस टीम के खिलाफ 22 का एवरेज है बैटिंग से, 2 विकेट ले चुके हैं इस टीम के खिलाफ, और इस वेन्यू पर 1 ही विकेट ले चुके हैं, तो ये प्लेयर डेथ बॉलर है लेकिन बहुत ही रिस्की प्लेयर है ये, तो आप आपके ऊपर है कि इसको लेना है लेना, आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिस्की बनाना चाहते हो टीम, तो इस प्लेयर्स को ले लीजिए। अगर आपको ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टन करना, क्योंकि ग्रैंड लीग प्लेयर ये 100% है, लेकिन स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छी चॉइस नहीं है आपके लिए, सिर्फ टीम में रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ग्रैंड लीग्स में मोहम्मद नवाज और यहाँ पर विली को
हर टीम में रखना है, ठीक है। और वहाँ पर आपको कुछ टीमों में क्या करना है, फॉकनर को ड्रॉप करना है एक टीम में एब्दिगार को लेना है या फिर एब्दिगार को ड्रॉप करना है। मतलब ये तीन प्लेयर्स है ना आपको रोटेट करने हैं। कौन से तीन प्लेयर्स हैं मैं बताता हूँ आपको, फॉकनर, इफ्तिकार अहमद और टीम डेविड। ये तीनों प्लेयर्स में को ना हर एक टीम में अलग अलग एक 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 बार लेना है, सिर्फ एक बार। मतलब एक टीम में फॉकनर रहेंगे, दूसरी टीम में इफ्तिकार अहमद और तीसरी टीम में डेविड। मतलब कि क्या, ये दो प्लेयर्स आपके फिक्स रहेंगे, उसमें से एक प्लेयर यहाँ से ये आएगा, कभी ये आएगा और कभी ये आएगा, ये ध्यान में रखना है। मतलब हमारी जो आज की सोच है ग्रैंड लीग का स्ट्रक्चर बनाने की, वो है विकेट कीपर के सेक्शन में एक, बैटिंग के सेक्शन में तीन, ऑलराउंडर के तीन और यहाँ पर बॉलिंग के सेक्शन में चार। और अगर आप डकेट को लेते हैं दो तीन तीन तीन, ऐसा यहाँ पर आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर रहेगा ग्रैंड लीग का, ठीक है। और बॉलिंग के सेक्शन में यहाँ से मैं यही से बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि रिकॉर्ड पहले देखेंगे हम इमरान ताहिर, धानी, शाह, तनवीर, हसनैन और पांचवा बॉलर इंसानुल्ला, ये अच्छा ना ही बॉलर इतना भी, ठीक है। ये पांच यहाँ पर बॉलर्स हैं आपके लिए, उनमें से कौन से लेना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं हम। नसीम शाह पिछले मैच में इस बंदे ने 5 विकेट ले लिए थे, ठीक है। अब देखिए मिडल ऑर्डर जो सामने का, मतलब कि जो मुल्तान सुल्तान का मिडल ऑर्डर है वो एकदम बेहतरीन है दोस्तों, क्योंकि मिडल ऑर्डर में देखेंगे तो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं शोएब मकसूद, रुसो और डेविड, ठीक है। तो इनको आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। तो नसीम शाह मुझे लग रहा है आज के मैच के लिए अच्छा पिक नहीं है, लेकिन 5 विकेट ले चुका है बंदा, मतलब इसका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल तक होगा। तो आपको ना टीम में रखना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि बहुत लोग आज इसके ऊपर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत ज़्यादा चॉइसेस रहेंगे आपके लिए आज के लिए। इसकी जगह पर कौन सा अच्छा चॉइस है पता है आपको दोस्तों, वो है सोहेल तनवीर। ये बेहतरीन आपके लिए चॉइस है, इनको ज़रूर ट्राई कर लेना, ठीक है। ये ना डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हैं और आपको बता दो ये विकेट बैटिंग से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन चॉइस रहेगा आपके लिए नसीम शाह की जगह पर सोहेल तनवीर। और जो तीसरा इनका बॉलर है यहाँ पर इंसानुल्लाह, तो मैं ट्राई नहीं करने वाला हूँ। ढहानी और यहाँ पर इमरान ताहिर, ठीक है, शाहनवाज ढहानी और इमरान ताहिर, ये दोनों प्लेयर्स मेरे आज के मैचेस में रहेंगे। शाहनवाज ढहानी का देख सकते हैं इस टीम के खिलाफ 2 मैचेस में 4 विकेट ले चुका है और इस वेन्यू पे 5 मैचेस में 10। और इमरान ताहिर की बात करूँगा तो 5 मैचेस में 11 विकेट है और इस वेन्यू पे 5 मैचेस में 6। ये प्लेयर आपके लिए बेहतरीन है। इमरान ताहिर ढहानी हर टीम में रहना चाहिए, ठीक है, हर एक टीम में। और यन शाह और तनवीर में से आपको अल्टरनेटिव लेना है ये प्लेयर्स, मतलब एक टीम में यन शाह लेना है, एक टीम में तनवीर लेना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और हसनैन को आप टीम में ज़रूर रखना, 100% आपकी हर टीम में रखना, ठीक है, हर टीम में आपको हसनैन को रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट फेल 2 ओवर डालते हैं और डेथ ओवर्स में फिक्स इनके 2 ओवर्स होते हैं। तो ये प्लेयर ना आपको ना हर टीम में रखना है। मतलब बॉलिंग के सेक्शन में कितने प्लेयर्स फिक्स रहेंगे, ताहिर, ढहानी और हसनैन, ठीक है। कुछ और आपको किसको यहाँ पर अल्टरनेटिव यहाँ पर चूज़ करना है, वो है यन शाह और तनवीर को, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पर इस तनवीर को बोल रहा हूँ कि आप स्मॉल लीग में रखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि फिक्स प्लेयर कौन से हैं आप आज के मैच के, रिजवान फिक्स प्लेयर रहेगा, ठीक है, मसूद और मकसूद, ये दो प्लेयर्स फिक्स रहेंगे आज के ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में। नवाज, विली, ये दो प्लेयर्स आपके लिए एकदम फिक्स रहेंगे, ठीक है। और ताहिर, ढहानी और हसनैन, ये तीन प्लेयर्स, मतलब लगभग तीन प्लेयर बॉलिंग सेक्शन में फिक्स है, दो प्लेयर्स यहाँ पर ऑलराउंडर के सेक्शन में, दो प्लेयर्स यहाँ पर बैटिंग के सेक्शन में और एक प्लेयर यहाँ पर विकेट कीपर के सेक्शन में। मतलब लगभग 8 या 9 प्लेयर्स आपके फिक्स रहेंगे, बाकी के जो 3-4 प्लेयर हैं उनको आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियोज़ के अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना और ख़ुद भी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बोलना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।